इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। क्या हो अगर एक इंसान खुद को इतना खतरनाक बना ले कि वो दूसरों का मांस खाने लगे? आज हम आपको बताएंगे जापानी व्यक्ति इसेई सागावा की कहानी, जिसे दुनिया द कैनिबल किलर के नाम से जानती है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इंसानी कल्पना से परे है और सुनने वालों को झकझोर कर रख देती है। इसेई सागावा का जन्म 1949 में जापान के एक अमीर परिवार में हुआ था। उसे बचपन से ही इंसान का मांस खाने की विकृत इच्छाएं सताने लगी थी। ये इच्छाएं धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गईं कि उसने अपने देश छोड़कर फ्रांस का रुख किया, ताकि अपने अंदर छुपे इस दरिंदे को आजाद कर सके। 1981 में पेरिस में पढ़ाई के दौरान इससे की मुलाकात हुई एक डच छात्रा रेने हार्टवेल्ट से। रेने इससे की दोस्त बन गई और अक्सर उसके घर मिलने आती थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह दोस्ती उसकी आखिरी साबित होगी। एक दिन इससे ने रेने को अपने घर डिनर के लिए बुलाया, लेकिन जब वह वहां पहुंची तब उसकी नियति पहले ही तय हो चुकी थी। इससे ने रेने को गोली मार दी और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पकाकर खाया और बाकी हिस्सों को फ्रीज में रख दिया। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इससे ने बाद में खुद स्वीकार किया कि वह रेने के शरीर को सिर्फ खूबसूरत मानने के कारण खाना चाहता था। यह घटना इंसानी दरिंदगी का सबसे भयानक रूप थी, जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठे। पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? इस भयानक कांड के बाद इससे ही को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कानूनी प्रक्रियाओं में एक तकनीकी त्रुटि के कारण फ्रांस में इससे ही पर मुकदमा नहीं चल पाया। कुछ समय बाद उसे मानसिक रूप से अस्थिर मानते हुए जापान भेज दिया गया। जापान लौटने के बाद उसे कुछ सालों तक एक मानसिक अस्पताल में रखा गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1986 में उसे रिहा कर दिया गया। वह बाहर आकर अपनी कहानी पर आधारित किताबें लिखने लगा और मीडिया से इंटरव्यू देने लगा, जैसे मानो उसने कोई उपलब्धि हासिल की हो। कहानी का निष्कर्ष और सबक। इससे ही सागावा की कहानी सिर्फ एक भयानक मर्डर की घटना नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि इंसानी मनोविज्ञान कितनी विकृत दिशा में जा सकता है। आज भी इस कहानी का जिक्र होते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इससे ही सागावा की खौफनाक कहानी। क्या आप इस घटना के बारे में पहले से जानते थे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और अपने आसपास का ध्यान रखें।